वाहेगुरु की अपार बख्शिश हुई है कि आज 25 मई को श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सही 9:30 बजे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड से श्री दरबार साहब में सुशोभित किया गया है। आर्मी द्वारा जो कि यहाँ सारा रास्ता साफ करने का उनका ही सेवा होती है, उनकी कवरेज में गुरु ग्रंथ साहब जी को दरबार हाल में सुशोभित किया गया। 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ शुरू हुए हैं, उपरांत शब्द कीर्तन और 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी भाई मिलाप सिंह जी द्वारा की गई है। उसके उपरांत हुक्मनामा लिया गया है और इसी के साथ श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का आज शुभ आरंभ हुआ है। यात्रियों में बहुत उत्साह है। अभी भी हेमकुंड साहब के चौगिरदे में लगभग 3 से लेकर 5 फीट तक बर्फ है। आधे से ज़्यादा सरोवर अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। रास्ते में भी 2 से लेकर 3 फीट तक बर्फ है। तो हमें लगता है कि जैसे नीचे इस साल गर्मी की तप्त बहुत है, तो यात्रियों में बहुत उत्साह है और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे भारतवर्ष में पहला स्थान है इतनी हाइट पे कि जब नीचे बिल्कुल गर्मी से तप रहा है संसार, तो यहाँ पे खूब सर्दी भी है, ठंड भी है और बर्फ भी यात्रियों को देखने के मिलेगी। जहाँ वो पवित्र कुंड में स्नान करेंगे, गुरु का नाम लेंगे, वाहेगुरु का जाप करेंगे, उनके लिए खुशी की बात भी होगी कि वो एडवेंचर भी देखेंगे यहाँ का आकर। वाहेगुरु की अपार बख्शिश हुई है कि आज 25 मई को श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सही 9:30 बजे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड से श्री दरबार साहब में सुशोभित किया गया है। आर्मी द्वारा जो कि यहाँ सारा रास्ता साफ करने का उनका ही सेवा होती है, उनकी कवरेज में गुरु ग्रंथ साहब जी को दरबार हाल में सुशोभित किया गया। 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ शुरू हुए हैं, उपरांत शब्द कीर्तन और 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी भाई मिलाप सिंह जी द्वारा की गई है। उसके उपरांत हुक्मनामा लिया गया है और इसी के साथ श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का आज शुभ आरंभ हुआ है। यात्रियों में बहुत उत्साह है। अभी भी हेमकुंड साहब के चौगिरदे में लगभग 3 से लेकर 5 फीट तक बर्फ है। आधे से ज़्यादा सरोवर अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। रास्ते में भी 2 से लेकर 3 फीट तक बर्फ है। तो हमें लगता है कि जैसे नीचे इस साल गर्मी की तप्त बहुत है, तो यात्रियों में बहुत उत्साह है और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे भारतवर्ष में पहला स्थान है इतनी हाइट पे कि जब नीचे बिल्कुल गर्मी से तप रहा है संसार, तो यहाँ पे खूब सर्दी भी है, ठंड भी है और बर्फ भी यात्रियों को देखने के मिलेगी। जहाँ वो पवित्र कुंड में स्नान करेंगे, गुरु का नाम लेंगे, वाहेगुरु का जाप करेंगे, उनके लिए खुशी की बात भी होगी कि वो एडवेंचर भी देखेंगे यहाँ का आकर।